नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर शोभा गर्ग। मैं एक IVF स्पेशलिस्ट हूँ, MD गायनी डॉक्टर हूँ, और मैं आज आपको कुछ टेस्ट्स हैं जैसे कि डबल मार्कर, ट्रिपल मार्कर, क्वाड मार्कर, इनके बारे में जानकारी देना चाहती हूँ। क्योंकि कुछ साल पहले ये टेस्ट बहुत कम करवाए जाते थे और आजकल तकरीबन हर प्रेगनेंसी में ये टेस्ट करवाए जाते हैं, तो पेशेंट्स को नॉलेज नहीं होती कि ये टेस्ट क्या है, क्यों करवाया जा रहा है। तो आज मैं आपको ये सारा समझाऊंगी। एक्चुअली ये सारे टेस्ट जो हैं ये इस पर्पस से किए जाते हैं ताकि बच्चे में अगर कोई क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी है, यानी कि जैसे अगर एक नॉर्मल बच्चे में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं और अगर किसी बच्चे में सपोज 45 या 47 क्रोमोसोम्स हैं, तो वो बच्चा एबनॉर्मल होता है, उसका दिमागी विकास ठीक नहीं होता। तो इस चीज़ को रूल आउट करने के लिए कि किसी बच्चे में एक्स्ट्रा क्रोमोसोम्स तो नहीं है, ये टेस्ट करवाए जाते हैं। इसमें से जो सबसे कॉमन एबनॉर्मेलिटी जो आमतौर पर देखने को मिलती है वो है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम में बच्चे में 47 क्रोमोसोम होते हैं, हर एक बच्चे में 23 क्रोमोसोम्स के दो दो के पेयर होते हैं, तो 23 के अगर एक एक पेयर सबका है तो 46 क्रोमोसोम बनते हैं। पर इस डाउन सिंड्रोम वाले बच्चे में 21 नंबर वाला जो क्रोमोसोम है उसकी दो की जगह तीन कॉपीज होती हैं। इसके कारण एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम जो मदर्स के अंडे से आता है उसके कारण बच्चा अब नॉर्मल हो जाता है। उसके अल्ट्रासाउंड पे जनरली कुछ नहीं आता, अल्ट्रासाउंड बिल्कुल एक नॉर्मल बच्चे की अल्ट्रासाउंड की तरह ही होता है। हाँ, एंटी स्कैन आजकल जो हम कर रहे हैं उसमें भी इसकी पिकअप हो सकती है। एंटी स्कैन में जो बच्चे की गर्दन के नीचे की मोटाई होती है उसको हम नापते हैं, तो उससे पता चलता है अगर वो मोटाई बहुत ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि बच्चे की उस जगह पे पानी ज़्यादा है, और ऐसा डाउन सिंड्रोम या क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ वाले बच्चों में होता है। तो अल्ट्रासाउंड में एंटी स्कैन है उसका भी एक पर्टिकुलर टाइम होता है, 11 से 13 हफ्ते के बीच में एंटी स्कैन किया जाता है। उसमें अगर वो टाइम मिस हो गया तो फिर अल्ट्रासाउंड पे ज़्यादा कोई क्लियर फीचर्स इस चीज़ के नहीं आते, यानी कि केवल अल्ट्रासाउंड पे डिपेंड हो के अगर हम सोचें कि हम डाउन सिंड्रोम के सारे केसेस डिटेक्ट कर लेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है। एंटी स्कैन की एक्यूरेसी भी 75% है। अगर हम सिर्फ एंटी स्कैन हर केस का करते हैं तो 75% केसेस डाउन सिंड्रोम के हम पिक कर सकते हैं। पर अगर हम एंटी स्कैन के साथ डबल मार्कर या ड्यूअल मार्कर टेस्ट करते हैं तो डाउन सिंड्रोम की पिकअप रेट जो है वो 96-97% के करीब हो जाती है, यानी कि डाउन सिंड्रोम का कोई भी केस बिना डायग्नोस हुए नहीं रहता तकरीबन। और इससे पेशेंट्स को ये फ़ायदा होता है कि एक डाउन सिंड्रोम वाला बच्चा जन्म लेने से पहले ही पता चल जाता है और उस प्रेगनेंसी को फिर हम पेशेंट अगर चाहे तो अबॉर्ट कर देते हैं, क्योंकि ये जो बच्चे होते हैं ये इनका दिमागी और शारीरिक विकास नॉर्मल नहीं होता, इनमें हार्ट की प्रॉब्लम्स के भी बहुत ज़्यादा चांस होते हैं, इनका IQ लेवल कम होता है। और अगर कोई पेशेंट ऐसा बच्चा रखना चाहे तो हम मना नहीं कर करते, मगर ज़्यादातर कपल यही चाहते हैं कि उनका बच्चा जो हो वो स्वस्थ और मानसिक तौर पे बिल्कुल नॉर्मल हो। तो ऐसे केसेस में फिर अगर डिटेक्ट हो जाता है कि बच्चे में डाउन सिंड्रोम है, कंफर्म हो जाता है, तो हम अबॉर्शन कर सकते हैं लीगली। तो अगर किसी पेशेंट का एंटी स्कैन और डाउन डबल मार्कर का जो टाइम है वो निकल गया है जो कि 11 से 13 हफ्ते है, और मान लो पेशेंट का पहले कोई टेस्ट नहीं हुआ और पेशेंट सीधा हमारे पास 16-17 हफ्ते पे आता है, तब हम ट्रिपल टेस्ट या क्वाड टेस्ट करवा सकते हैं। क्वाड्रपल टेस्ट हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं ट्रिपल टेस्ट की जगह, क्योंकि उसकी एक्यूरेसी ज़्यादा है। ट्रिपल टेस्ट में 3 मार्कर चेक होते हैं, क्वाड्रपल टेस्ट में 4 मार्कर चेक होते हैं, जिसके कारण उसकी सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी ज़्यादा है, जिसमें हम फॉल्स पॉजिटिव या फॉल्स नेगेटिव रिपोर्ट आने के चांस कम हो जाते हैं। और अगर किसी की एंटी डबल मार्कर की या क्वाड मार्कर की रिपोर्ट में डाउन सिंड्रोम का रिस्क हाई आता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चे को डाउन सिंड्रोम है। उसके लिए फिर हमें फर्दर टेस्टिंग करनी पड़ती है कि इस बच्चे में डाउन सिंड्रोम है या नहीं है। उसके लिए फिर हम एमनियोसेंसिस करते हैं,
एम्नियोसेंटेसिस में हम माँ की कोख में से बच्चे के आसपास का जो पानी है उसमें से कुछ पानी निकालकर जेनेटिक लैब में टेस्ट के लिए भेजते हैं, और वहाँ पर जो बच्चे के स्किन के सेल्स उस तरल पदार्थ में तैर रहे होते हैं उनको कल्चर किया जाता है, और उससे हमें 100% रिपोर्ट मिलती है कि ये बच्चे का कैरियोटाइप यानी कि उसकी क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर जो है वो 46 है या कोई एबनॉर्मल है। और अगर एबनॉर्मेलिटी कंफर्म हो जाती है तो हम उस प्रेगनेंसी में एबॉर्शन की सलाह देते हैं, और अगर बच्चा नॉर्मल पाया जाता है तो कपल रिलैक्स हो जाता है। तो ये कारण है कि आजकल हम डबल मार्कर क्वाड मार्कर टेस्ट बहुत एडवाइस कर रहे हैं सारे डॉक्टर्स, तो ये आपके हित में है। अगर आपको डॉक्टर ये टेस्ट करवाने की सलाह दे रहे हैं तो आप ज़रूर करवाइए। तो आशा करती हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, इससे आपको समझ में आया होगा कि ये टेस्ट क्या होते हैं और ये क्यों किए जाते हैं और इनका परिणाम आने पर आगे क्या करना होता है। तो ये जानकारी आप शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जिनको इसकी ज़रूरत है। ऐसी ही और बहुत सारी जानकारी के लिए मैं समय समय पर आपके सामने आती रहूँगी। मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।